हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डेजर्ट पनीर खीर। ये बनाना बहुत ही इजी होता है और बहुत जल्द ही बन जाता है। तो चलिए पनीर खीर बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर फुल क्रीम दूध, 200 ग्राम पनीर, आधा कप चीनी, 2 से 3 पीसी हुई इलायची, पहले हम दूध को एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। तब तक पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। देखिए पनीर को इतनी पतली ग्रेट करना है ताकि ये दूध में अच्छे से मिल जाए। हमारा दूध यहाँ पे अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यूअसली चलाना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। चीनी अच्छे से दूध में मिल चुका है। अब इसमें हम ग्रेटेड पनीर ऐड कर देंगे। पनीर डाल के इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है। देखिए पनीर डालने के बाद कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसमें हम पीसी हुई इलायची डाल के मिला लेंगे। खीर हमारा तैयार हो चुका। अब इसमें कुछ काजू डाल के गार्निश कर देंगे। आप इस खीर को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख के खाने से खीर का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।